तो भैया जी आज है बहुत खुशी का दिन, क्योंकि यहाँ पे आईक्यू परिवार में जन्म लिया है एक नए नवेले अवतार ने, नए नवेले फोन ने, जिनका यहाँ पे नाम है IQ Z3। जी हाँ दोस्तों, नामकरण भी कर दिया गया है बड़ी ही जबरदस्त तरीके से, और यहाँ पे अपने साथ ये कुछ खास स्पेसिफिकेशन और खास फीचर्स लेके जन्मे हैं। तो देखेंगे आज की वीडियो में कि कौन कौन से भैया खास फीचर्स ये लेके आए हैं अपने साथ IQ परिवार में। चलिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार इनके नए नक्षत्र देख लीजिए। लुक्स की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है 3.5 mm जैक। जी हाँ, सबसे शानदार बात तो इसकी यही है। और यहाँ पे आपको मिलता है एक सी टाइप पोर्ट नीचे, और मिलता है आपको नीचे की साइड में एक ऑडियो स्पीकर, और ऊपर की साइड आपको मिलता है एक सेकेंडरी माइक्रोफोन और एक डेडिकेटेड हाइब्रिड सिम स्लॉट। और यहाँ पे कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया, बेसिकली यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि कोई खास बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर इन डिस्प्ले होता तो भी ठीक था, और यहाँ पे साइड माउंटेड भी ठीक है, तो ओवरऑल उसका लुक्स जो है वो काफ़ी बेटर निकल के आता है इस प्राइस रेंज में। तो भैया अगर आपने इनके नए नक्षत्र देख ही लिए हो, तो यहाँ पे मुझे आप पक्का कंफर्म करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत बॉडी पार्ट लगा इस फ़ोन में। चलिए शुरू करते हैं आज का इनका स्पेसिफिकेशन की कहानी। तो बात करें भैया इनके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे भैया आपको मिलता है 120Hz का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। सुपर एमोलेड आप सुनने वाले थे ना, नहीं, सुपर एमोलेड आपको नहीं मिलेगा, IPS डिस्प्ले मिलता है। मगर यहाँ पे रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा है 120Hz का, और फुल HD पैनल है। मगर यहाँ पे सुपर एमोलेड होता तो काफ़ी ज़्यादा बेटर एक कॉम्बिनेशन निकल के आता, मगर क्योंकि यहाँ पे भैया गेमिंग को ध्यान रखकर ये बनाया गया है ये फ़ोन, तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट ज़्यादा मैटर करता है सुपर एमोलेड के मुकाबले। तो यहाँ पे डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट और जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी डे लाइफ में, नाइट मोड में काफ़ी आपको अच्छे कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ सुपर एमोलेड से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सुपर एमोलेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री। और देखते हैं इनके आगे कौन कौन से खास फीचर होने वाले हैं। तो भैया अब बात करें इसकी आंखों के बारे में, तो यहाँ पे आपको इसमें आंखें भी हैं क्या? अब लोलू, आंखें मतलब कैमरा, समझा? आई गॉट दैट, यू कंटिन्यू। इसमें आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसका मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे यूज़ किया गया है सैमसंग का GW3 सेंसर, जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर है अपने कैमरा इंडस्ट्री में। और सेम सेंसर यूज़ किया गया है रेडमी नोट 10 प्रो में, तो उसकी इमेज क्वालिटी काफ़ी बेटर थी, तो इसकी इमेज क्वालिटी और ज़्यादा बेटर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अपर्चर है वो काफ़ी कम है, 1.73। मतलब अपर्चर कम होने का मतलब ये होता है कि आपकी इमेज क्वालिटी, इमेज में लाइटनिंग ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी आपको रात में भी और दिन में भी। और यहाँ पे आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो कैमरा, और जो प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, वो मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का। तो ओवरऑल इसका कैमरा सेटअप काफ़ी बेटर है, और काफ़ी बेटर आपको इमेज क्लिक करके देगा अगर कुछ आप सैंपल नोटिस कर पा रहे हो तो। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 768 5G प्रोसेसर, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर नहीं बोलूँगा, मगर ये काइंड ऑफ एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और ये IQ Z3 पहला फ़ोन है इस प्रोसेसर के साथ आने वाला, तो मेरे ख्याल से काफ़ी यहाँ पे क्लॉक स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये प्रोसेसर बेसिकली बेस्ड है 7 नैनोमीटर, मतलब यहाँ पे आपको ओवरऑल जो स्पीड, जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको इस फोन में मिलते हैं 2 वेरिएंट, आपको मिलेगा 6GB और मिलेगा आपको 8GB। और यहाँ पे यूज़ किया गया है LPDDR4X, और स्टोरेज जो मिलती है आपको UFS 2.2, और दोनों ही वर्जन में, 6 वाले वर्जन में और 8 वाले वर्जन में, दोनों ही वर्जन में आपको 128GB की स्टोरेज मिलेगी। मगर यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट दिया गया है, तो आप यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड ठूंस के इसकी कैपेबिलिटीज की कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी। तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं है, काफ़ी बेटर है। मगर यहाँ पे अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से 8GB वाला वर्जन लेना, क्योंकि यहाँ पे इसमें फ़ायदा है, क्योंकि 8GB वाले वर्जन में आपको मिलता है 4GB का वर्चुअल रैम, समझे आप? मतलब 8GB की रैम वाले में आपको मिलेगा 4GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट। वर्चुअल रैम बेसिकली क्या होता है कि स्टोरेज में से, एज अ स्टोरेज, उसमें से 4GB फ़ोन एज अ वर्चुअल रैम यूज़ करता है। तो ओवरऑल मतलब अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा लंबी प्रोसेसिंग, मतलब कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने फ़ोन के साथ, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा हेल्प करने वाला, ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी 8GB वाले रैम में। तो मेरे ख्याल से अगर आप लेने की सोच रहे हैं गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन, इस फ़ोन को, तो यहाँ पे आप 8GB वाला ही लेने का सोचना। 6GB ऐसे बेटर है, ऐसी कोई बात नहीं है, 6GB भी काफ़ी होता है, मगर 8GB मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब बात करें इसके कैमरा नहीं, इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलता है 4400 mAh की बैटरी, मतलब 4400 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में, यार देखो,
4400-5000 से नीचे मेरे ख्याल से आजकल कुछ बनता नहीं है, और वो भी अगर आपका फ़ोन 20 से 25 हज़ार के प्राइस में, मतलब 20 से ऊपर ही जाएगा इसका प्राइस, इतनी मैं गारंटी है तो आपको, 20 से ऊपर होगा, 25 के बीच में होगा। तो यहाँ पे भैया कम से कम 5000 mAh तो बनता था, और यहाँ पे आपको मिलता है 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग। चार्जिंग काफ़ी फास्ट है, मतलब ओवरऑल आपका ये 20 मिनट में 50% से ऊपर आपका फ़ोन चार्ज कर देगा, ऐसा क्लेम करता है IQ। अब यहाँ पे भैया आप टेस्ट करना खुद की कौन सा कितना सही है, कौन सा कितना गलत है। और भैया इसमें आपको डुअल 5G का सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे भैया आपको 5G के अंदर 5 बैंड्स भी मिलेंगे, और 5 बैंड्स वैसे ठीक ठाक से, मगर यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आप 5G फ़ोन ले रहे तो आपको 5G फ़ोन आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में सपोर्ट करेगा 5G बैंड के साथ। बेसिकली इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं अगर आप देखना चाहे तो। और इसके अंदर आपको मिलता है एंड्रॉयड 11 लेटेस्ट, और यहाँ पे आपको फन टच 11 देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे फन टच 11 भाई देखो काफ़ी पहले से बेटर हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलने वाला है आपको इस फ़ोन में। तो मेरे ख्याल से एंड्रॉयड 11 के साथ, फन टच 11 के साथ, और यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ा सा डिस्प्ले यहाँ थोड़ा कमज़ोर है, बाकी जो ओवरऑल फ़ोन लगा मुझे काफ़ी बेटर लगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको इसका कौन सा फ़ीचर सबसे बेस्ट लगा और कौन सा फ़ीचर सबसे ख़राब लगा। तो मेरे ख्याल से कुछ कर पाऊंगा मैं क्या ही करूंगा यार। तो भैया IQ Z3 की यही थी कहानी हमारी जुबानी, और अब आप एक काम करिए, हमारे पे एक एहसान करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज करिए।